आज के टॉपिक में जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है हमारा अनलॉफुल एग्रीमेंट्स। ये टॉपिक आज हम इसको देखेंगे। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनलॉफुल होते हैं, यानी इनकी लीगल वैलिडिटी नहीं होती है, लॉफुल नहीं होते हैं, वैध नहीं होते हैं, अवैध होते हैं, इलीगल होते हैं, और इलीगल से भी बढ़कर होते हैं। इलीगल तो इसका एक पार्ट ही है। अनलॉफुल में जब हम बोलेंगे अनलॉफुल एग्रीमेंट्स, तो इसमें कोई भी एग्रीमेंट अनलॉफुल तब कहलाएगा जब ये चीजें उसके अंदर हो जाती हैं। कौन कौन सी चीजें? पहला, अगर वो इलीगल ऑब्जेक्ट के लिए एग्रीमेंट किया गया है। एक एग्रीमेंट अनलॉफुल कब कब हो जाएगा? तो पहली चीज, जब उस एग्रीमेंट को किसी इलीगल ऑब्जेक्ट के लिए किया गया है, यानी कि किसी गैर कानूनी उद्देश्य के लिए ऐसा एग्रीमेंट किया गया है। जैसे किसी को मारने के लिए दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट हो गया, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया मारने का कि भाई हम आपको 5 लाख रुपए देंगे, आप इसको मार दीजिए, इलीगल ऑब्जेक्ट हो गया। तो कोई भी इलीगल काम, इलीगल से मतलब ही पता चल रहा है कि कोई भी ऐसा काम जो लॉफुल नहीं है, इलीगल काम है, अगर उसके उद्देश्य के लिए आपने किसी से एग्रीमेंट किया हुआ है, तो वो एग्रीमेंट जो होगा वो अनलॉफुल होगा। एग्रीमेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता है। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए तो एनफोर्सेबिलिटी होनी चाहिए, तो एनफोर्सेबल है ही नहीं, इसीलिए हम लोग एग्रीमेंट ही लिखा हुआ है हेडिंग में भी, ये अनलॉफुल एग्रीमेंट्स है। जैसे कि एग्जांपल लिखा हुआ है इलीगल वाले में, कि मान लीजिए कि ए एक एग्रीमेंट करता है बी के साथ टू शेयर द प्रॉफिट। इसमें ये लोग तय करते हैं कि हम लोग आपस में प्रॉफिट शेयर कर लेंगे, और इसके लिए बी को क्या करना होगा, ये प्लान ए का है। ए बी को ये प्लान अपना बताता है कि हम लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे अगर तुम पब्लिक के बीच में जाकर के ये प्रचार करो कि ए सिंगापुर में जॉब दिलवा सकता है। ए से कांटेक्ट करो, वो सिंगापुर में जॉब दिलवा सकता है, मुझे भी जॉब उसने दिलवाई है, और इस तरीके से हम लोग उनसे कुछ पैसे वसूल लेंगे, और ये पैसे लेने के बाद हम लोग आपस में बांट लेंगे और भाग जाएंगे। यहां पर ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये एक फ्रॉडुलेंट एक्ट के लिए हुआ है, ये चीटिंग के लिए हुआ है, और चीटिंग क्या है, एक क्राइम है। आईपीसी में चीटिंग क्या है, एक क्राइम है, तो चीटिंग के लिए किया गया है, यानी एक इलीगल एक्ट के लिए ये एग्रीमेंट किया गया था ए और बी के बीच में। तो ये एग्रीमेंट क्या है, ये अनलॉफुल एग्रीमेंट है। अनलॉफुल एग्रीमेंट है क्योंकि इलीगल ऑब्जेक्ट से किया गया है। तो ये चीजें हैं, इस तरह से बहुत से न्यूमरस एग्जाम्पल्स आप खुद से बना सकते हैं। सेकेंड होता है एग्रीमेंट विद इमोरल ऑब्जेक्ट। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, अनलॉफुल एग्रीमेंट्स कौन कौन होते हैं। तो हमने पहला पढ़ा कि वो एग्रीमेंट अनलॉफुल हो जाएगा जो इलीगल ऑब्जेक्ट के लिए किया गया होगा, और दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं कि वो एग्रीमेंट्स अनलॉफुल हो जाएंगे जो इमोरल ऑब्जेक्ट के लिए किए गए हैं। इमोरल ऑब्जेक्ट मतलब अनैतिक कार्यों के लिए किए गए हैं, जैसे कि दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट हो जाए प्रोस्टिट्यूशन का करने के लिए, या कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी करने का एग्रीमेंट किया गया हो, कि कॉन्ट्रैक्ट गलत लिखा, इसके एग्रीमेंट होना चाहिए था। तो ऐसे सारे जितने भी आपके एग्रीमेंट्स होंगे वो क्या, किस कैटेगरी में आ जाएंगे, वो इमोरल ऑब्जेक्ट्स के, जो अनैतिक कार्यों के लिए एग्रीमेंट्स होते उसमें आ जाएंगे, और इस वजह से ये अनलॉफुल एग्रीमेंट्स होंगे। तीसरा जो एग्रीमेंट है जो कि अनलॉफुल होगा वो है एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो, विच इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, यानी कि पब्लिक का किसी ना किसी तरीके से हार्म हो रहा हो, नुकसान हो रहा हो, ऐसे एग्रीमेंट्स जो होंगे वो भी अनलॉफुल एग्रीमेंट्स कहलाएंगे। जैसे कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में देखिए एग्जांपल दिया हुआ है कि ए ने बी को 1,000 रुपए देने का वायदा किया या इसके लिए एग्री हो गया,
और ये उसने एज अ पेनाल्टी देने के लिए कहा कि मैं आपको एज अ पेनाल्टी 1,000 रुपए दूंगा अगर मैं आपको माइनर डॉटर से, एक लड़की है जो कि माइनर है, माइनर है मतलब कि उसकी एज 18 ईयर से कम की है, अगर मैं अपनी माइनर डॉटर की मैरिज आपसे नहीं करवाऊंगा तो मैं आपको 1,000 रुपए दूंगा। अब किसी भी माइनर की शादी करवाना इलीगल तो है ही, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी भी है। ये काम ऐसा भी है जो कि पब्लिक का नुकसान करती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए सही नहीं है। उस डॉटर का जो है वो इसमें राइट्स इंफ्रिंज हो रहे हैं, तो ये भी तो पब्लिक का ही पार्ट है। तो पब्लिक एट लार्ज या किसी इंडिविजुअल पर्सन के राइट्स को इंफ्रिंज करने वाले कोई भी एग्रीमेंट जो होंगे, कॉन्ट्रैक्ट तो कहेंगे नहीं, एग्रीमेंट जो होंगे वो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी होंगे, और इस वजह से वो एग्रीमेंट्स अनलॉफुल एग्रीमेंट्स होंगे। इस तरह के बहुत से हो सकते हैं जिससे कि पब्लिक का किसी भी तरीके से इंटरेस्ट हार्म हो रहा हो, वो सारे ही एग्रीमेंट्स आपके अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी होंगे। और इस वजह से क्योंकि अनलॉफुल है तो ये एनफोर्सिएबल भी नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है वेजरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेजरिंग एग्रीमेंट्स, वेजर करने का मतलब क्या होता है? वेजरिंग एग्रीमेंट्स में वेजरिंग का मतलब होता है बाजी लगाना। बाजी लगाना मतलब दांव लगाना, शर्त लगाना, बेट लगाना, कुछ भी कह दीजिए। तो जो बेटिंग करने वाले जितने भी एग्रीमेंट्स हैं वो सारे वेजरिंग एग्रीमेंट्स कहलाते हैं। और ये बेटिंग वाले एग्रीमेंट्स भी क्या होते हैं? अनलॉफुल होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, पहले तो इसको डिफाइन भी किया गया है, इसकी डिफिनेशन भी लिखी इसलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर कोई एक पर्सन ये प्रॉमिस करता है कि वो दूसरे पर्सन को कुछ पैसे देगा अगर कोई अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, ये इंपॉर्टेंट है, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट यानी भविष्य की कोई ऐसी घटना जो निश्चित नहीं है कि हो, अगर वो हो जाती है तो वो व्यक्ति प्रॉमिस करता है दूसरे पर्सन को कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। और इसी तरीके से जो अदर पर्सन होता है वो भी प्रॉमिस करता है कि अगर ये घटना नहीं हुई तो मैं तुम्हें ये पैसे दूंगा। मतलब ए बी से कह रहा है कि अगर ये हुआ तो मैं तुम्हें ये पैसे दूंगा, और बी कह रहा है कि अच्छा ठीक है अगर ये नहीं हुआ तो मैं तुम्हें ये पैसे दूंगा। जैसे कि आप मैच में सट्टा कैरम पे लगाते हैं, जुआ खेलने से नहीं लगा सकते? कैरम जी पे तो जुआ खेलने से तो नहीं लगा सकते कि हाँ हाँ वही चीज सट्टेबाजी है, वेजरिंग वही, तुम सट्टेबाजी में। हाँ हाँ वही तो कह रहे हैं, सट्टे वाला जो होता है वही है वेजरिंग, बेट लगाना, शर्त लगाना, बाजी लगाना। जैसे कि इसमें देखिए एग्जाम्पल में दिया भी हुआ है कि मान लीजिए कि ए एग्रीज टू गिव रुपीज, लेट्स से 5,000, कुछ भी लिख देते हैं, 5,000 टू बी। ए कहता है बी से कि मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा अगर इंडिया ये मैच जीत जाती है जो कि 24 अगस्त को होने वाला है। और बी कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा, सेम अमाउंट दूंगा अगर इंडिया नहीं जीतती है, यानी अगर इंडिया हार जाती है तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। वो कहता है कि अगर जीत जाएगी तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। तो ये एग्रीमेंट वेजरिंग एग्रीमेंट है, और ये वेजरिंग एग्रीमेंट है इस वजह से ये इनफोर्सिएबल नहीं है, अनलॉफुल है, और ये वॉइड एग्रीमेंट है। ठीक है, तो ये आपके चार तरह के ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो कि अनलॉफुल होते हैं और ये एनफोर्सेबल नहीं होते हैं। फिर से देखते हैं कौन कौन से। पहला एग्रीमेंट है एग्रीमेंट विद इलीगल ऑब्जेक्ट, जिसमें इलीगल ऑब्जेक्ट के लिए किसी क्रिमिनल एक्ट को करने के लिए, गैर कानूनी काम को करने के लिए एग्रीमेंट किया गया हो। दूसरा इमोरल ऑब्जेक्ट, जहां पर कोई अनैतिक काम करने के लिए कोई एग्रीमेंट किया गया हो। तीसरा है अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, कोई ऐसा एग्रीमेंट किया गया हो जिस जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट कोई काम करने के लिए किया गया हो। और फिर वेजरिंग एग्रीमेंट्स, कोई ऐसा एग्रीमेंट जो कि बाजी लगाने के लिए, बेट लगाने के लिए, सट्टा लगाने के लिए किया गया हो, वो सारे अनलॉफुल एग्रीमेंट्स होते हैं। और अनलॉफुल एग्रीमेंट्स
एनफोर्सिएबल नहीं होते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, इस वजह से ये वॉइड होते हैं। तो ये थे आपके। अब इससे रिलेटेड एक और चीज है जो आपने अभी वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, उससे रिलेटेड एक और कॉन्ट्रैक्ट होता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इसको कहते हैं। कंटिंजेंट और वेजरिंग में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, इन्हीं दोनों में कंफ्यूज किया जाता है एग्जाम में। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताएं। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ये है कि जैसे कि वेजरिंग आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा उसी से थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन फर्क ये है कि वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी वेजरिंग एग्रीमेंट बोलेंगे, वेजरिंग एग्रीमेंट जो है वो एनफोर्सेबल नहीं होते हैं, उनको इसलिए एग्रीमेंट लिखा हुआ है। लेकिन कंटिंजेंट के साथ देखिए लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, यानी कंटिंजेंट जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो एनफोर्सेबल होते हैं। दोनों एक ही चीजें हैं, लेकिन कंटिंजेंट वाला एनफोर्सेबल होगा और वेजरिंग वाला एनफोर्सेबल नहीं होगा, इसलिए वेजरिंग के आगे हमेशा आपको एग्रीमेंट लिखना है और कंटिंजेंट के आगे कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं आप। तो कॉन्ट्रैक्ट ये भी है जिसमें कि कोई चीज करने या कोई चीज नहीं करने का वादा किया जाता है किसी हैपनिंग ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट के होने या ना होने पर। यानी जो दोनों पार्टीज हैं वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि भविष्य में अगर ये इवेंट हुआ तो हम ये काम करेंगे या ये काम नहीं करेंगे, ऐसा प्रॉमिस करते हैं। यानी ये भी क्या है, भविष्य की एक घटना पर ही आधारित है कि भविष्य में कोई इवेंट होगा तब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा वैलिड, और अगर वो घटना नहीं हुई तो दोनों पार्टीज के ऑब्लिगेशंस और राइट्स नहीं अराइज होंगे। जैसे कि वेजरिंग में होता है कि अगर ये घटना हुई तब तो उन दोनों के राइट्स और लायबिलिटीज अराइज होंगे, लेकिन अगर वो घटना नहीं होती है तो उन दोनों के बीच में राइट्स और लायबिलिटीज अराइज नहीं होगा। वैसा ही यहां पर भी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट कर ले लें, क्या इंश्योरेंस कराना इलीगल है क्या? नहीं ना, इंश्योरेंस तो सभी कराते हैं। लेकिन इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें यही होता है। आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करा लिया कि अगर मेरी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो जाए या मेरी गाड़ी चोरी हो जाए तो हमें कुछ पैसा या इतने परसेंट पैसा जो है वो कंपनी दे। या आपने लाइफ इंश्योरेंस करा लिया कि अगर कल को हमारी मृत्यु हो जाए तो हमारे परिवार को इतने पैसे आप दीजिए इसके बदले में, क्योंकि आप ये प्रॉमिस कर रहे हैं, ये रिस्क ले रहे हैं मेरी लाइफ के साथ, इसलिए हम आपको हर साल या हर 6 महीने पे इतना प्रीमियम अमाउंट देते रहेंगे। तो ये भी भविष्य की घटना पर आधारित है। अगर आपकी गाड़ी चोरी हुई तब तो कंपनी पैसा देगी, नहीं हुई तो नहीं देगी। अगर आपकी मृत्यु हुई, जब तक कि आपका लाइफ कवर है जितने साल तक का उसके बीच में, तब तो कंपनी आपको पैसा देगी। और अगर आपकी मृत्यु नहीं हुई, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, अमर थोड़ी है, मरेंगे तो ही, लेकिन अगर वो टाइम पीरियड जितने समय के लिए आपने इंश्योर कराया हो अपने आप को, उसके बाद आपकी मृत्यु होती है तो कंपनी आपको पैसा नहीं देगी। तो ये चीजें हैं। इस तरह के बहुत से शिप का होता है, जो शिप ट्रेड के लिए यूज किए जाते हैं उनका इंश्योरेंस होता है, ठीक है। फायर इंश्योरेंस आपने सुना होगा, अपने गोडाउन का लोग फायर इंश्योरेंस कराते हैं कि अगर आग लग गई तो हम कंपनी हमें ये क्लेम दे। तो इस तरीके के बहुत से जो इंश्योरेंस होते हैं, इंश्योरेंस के सारे ही कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो भविष्य की एक घटना पर आधारित है कि अगर वो घटना होगी तब तो कंपनी आपको पैसा देगी इंश्योरेंस का, और अगर नहीं होगी तो नहीं देगी। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट्स की बात यहाँ पर की जा रही है, दैट अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, उसको हम कहते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी एनफोर्स्ड अंटिल द अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हैपेंस, तब तक इसको एनफोर्स नहीं कराया जा सकता जब तक कि फ्यूचर इवेंट हैपन ना हो जाए। आपने गाड़ी की चोरी का इंश्योरेंस कराया, जब तक गाड़ी चोरी नहीं हो जाएगी तब तक आप जाकर क्लेम नहीं कर सकते, तब तक कंपनी की जिम्मेदारी नहीं बनेगी आपको पैसा देने की। जब वो चोरी हो जाएगी तभी आप जाकर के उसके लिए क्लेम कर सकते हैं कंपनी में, और कंपनी ना दे तो फिर आप कोर्ट में जाके क्लेम कर सकते हैं कि कंपनी ने हमें इंश्योरेंस किया था पैसा नहीं दे रही है। ये इनफोर्सिएबल है बाकायदे। फिर इफ द अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल,
कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड, अगर भविष्य में जो घटना होने वाली थी वो इम्पॉसिबल हो जाती है तो ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। ठीक है, अगर भविष्य की कोई घटना होने वाली है, अगर जिसके लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो इम्पॉसिबल हो जाए, इसका एग्जांपल अभी हम लोग आगे जो देखेंगे उससे समझेंगे। अगर इम्पॉसिबल, क्योंकि अमर होने वाला तो बोल नहीं सकते कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अमर हो जाए, कभी मरे ही ना, तो वॉइड हो जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये एग्जाम्पल सही नहीं होगा। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग आगे देखेंगे दिया हुआ है। अगर वो घटना जिसके लिए ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किया गया था वो घटना अगर अब इम्पॉसिबल हो जाएगी, वो होगी ही नहीं, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ देखिए, तो इंश्योरेंस वाले तो सारे होते ही हैं, इंडेमनिटी वाले सारे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट। इसके अलावा एक एग्जाम्पल आपकी बुक में जो दिया हुआ है कि ए वादा करता है कि हम अपना फार्म लैंड जो है वो बी को बेच देंगे अगर अगर ए ये फार्म लैंड पे जो केस चल रहा है वो जीत जाएगा तब। यानी ए ने कहा कि मेरा एक फार्म लैंड है लेकिन उस फार्म लैंड पे अभी केस चल रहा है, अगर मैं वो केस जीत जाऊंगा तो मैं अपना जमीन तुमको बेच दूंगा, ऐसा वो बी से प्रॉमिस करता है। अब ये एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो केस जीत गया तब तो वो बी को बेचने के लिए लायबल होगा, जैसा कि उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है। और अगर वो केस हार गया तो क्या हो गया, ये थर्ड वाला पॉइंट जो आपने पढ़ा था कि अब इम्पॉसिबल हो गया उसके लिए परफॉर्म करना, अब तो वो केस हार गया ना, तो अब वो उसको नहीं बेच सकता, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो था वो वॉइड हो गया। सो इट बिकम्स इन दिस केस ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन द हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। तो ये एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें जो परफॉर्मेंस ए ने प्रॉमिस किया है करने का वो एक भविष्य की घटना पर बेस्ड है, अगर वो इवेंट होगा तो उसकी लायबिलिटी बनेगी, अगर वो इवेंट नहीं होगा यानी वो केस नहीं जीतेगा तो उसकी लायबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके बारे में अगर तो अब हम देखेंगे वेजर और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो जो पहला डिफरेंस लिखा हुआ है, वेजर इज एन इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये इनवैलिड होता है, इलीगल है, और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड होते हैं। वेजर देयर इज ऑलवेज अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, वेजर में हमेशा रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब कि बदले में दूसरी पार्टी भी प्रॉमिस करती है। ए ने प्रॉमिस किया था कि मैं 5000 रुपए दूंगा इंडिया जीतेगी, तो बी ने बोला कि ठीक है मैं भी 5000 रुपए दूंगा अगर इंडिया नहीं जीतेगी, तो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस कर रहे हैं, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हैं। प्रॉमिस और एक्सेप्टेंस नहीं है केवल कि एक ने प्रॉमिस किया और एक ने एक्सेप्ट कर लिया, कि ए ने बोला कि भाई इंडिया जीतेगी तो मैं तुम्हें 5000 रुपए दूंगा और बी ने कहा कि ठीक है इंडिया जीतेगी तो तुम हमें 5000 रुपए दे देना, ये नहीं हुआ, ये वेजर थोड़ी हुआ। दोनों में प्रॉमिस होना चाहिए दोनों तरफ से, वो भी बोले कि हाँ अगर जीतेगी तो मैं तुम्हें दूंगा और वो भी बोले कि हाँ ठीक है अगर हारेगी तो मैं भी तुम्हें दूंगा, तब वेजर हुआ। ऐसे ही होता है ना, बाजी लगाते हैं आप, कैसे बाजी लगाते हैं कि एक कहेगा कि ठीक है जीतेगी तो मैं तुम्हें दूंगा, दूसरा कहता है ठीक है मैं ले लूंगा, ये वेजर थोड़ी होता है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कोई रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं होता है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं होता है कि अगर आपने इंश्योरेंस कंपनी से कराया कि भाई हमारा इंश्योरेंस कर दीजिए लाइफ का और 10 लाख का इंश्योरेंस कराना चाहते हैं हम, तो कंपनी को आपको नहीं प्रॉमिस करना है कि ठीक है अगर कंपनी इंस्टॉलमेंट हो गई तो हम भी 10 लाख रुपए देंगे, ऐसा नहीं है। आप उसके बदले में ये जरूर है कि उनके टर्म्स और कंडीशंस के हिसाब से जो प्रीमियम तय होता है वो प्रीमियम अमाउंट आप देंगे, लेकिन आप प्रॉमिस रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं, वो उसी प्रॉमिस का एक पार्ट रहता है। जब वो आपको इंश्योरेंस दे रहा होता है तो उसी इंश्योरेंस के टर्म्स एंड कंडीशंस का एक पार्ट होता है कि हम आपको ये चीजें दे रहे हैं और आपको इसके बदले में 10,000 रुपए हमें हर 6 महीने पर देना पड़ेगा, हम आपका 10 लाख का इंश्योरेंस 20 साल के लिए कर दे रहे हैं। आपकी तरफ से कोई दूसरा अलग से प्रॉमिस नहीं करने की जरूरत है, वो उस प्रॉमिस के एक्सेप्टेंस के तौर पर आप 5,000 रुपए 10,000 रुपए उसको देते रहेंगे। इसमें थर्ड पार्टीज का इंटरेस्ट नहीं होता है। अगर ए और बी ने शर्त लगाई है
तो ए और बी की ही एक दूसरे के प्रति लाइबिलिटी है, अगर ए जीता तो ए को मिल जाएगा, बी जीता तो बी को मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि बी बी की वाइफ आके कहेगी कि नहीं मेरा पति जो है सट्टा जीत गया मुझे पैसे चाहिए, या बी का बेटा आकर कह देगा इसका सन कि मेरे पापा तो सट्टा जीत गए हैं मुझे पैसा चाहिए। मान लीजिए बी की डेथ हो जाती है, तो उसने कहा था ना 24 अगस्त को मैच होगा उसमें हम जीत जाएंगे तो 50,000 रुपए 5,000 रुपए देंगे, बी की डेथ हो गई उस बीच में, तो उसकी वाइफ नहीं जाएगी ए से मांगने कि 24 अगस्त का मैच देखिए जीत गए हम लोग सट्टे में तो हमें पैसा दे दीजिए। तो इसमें थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, लेकिन इंश्योरेंस में आप जानते हैं कि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस के केस में होता है। अगर जो इंश्योर्ड है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसकी वाइफ को, उसके बेटे को, जो भी नॉमिनी होगा, उसकी माँ को, किसी को भी वो पैसा मिल सकता है जिसका कि कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। तो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है और वेजरिंग में नहीं होता है। वेजर कंटिंजेंट नेचर का होता है, जैसे कि कंटिंजेंट का मतलब क्या, कंटिंजेंट का मतलब ही होता है कि फ्यूचर इवेंट पर बेस्ड हो, तो फ्यूचर इवेंट पर बेस्ड तो होता ही है वेजरिंग का कॉन्ट्रैक्ट। तो सही बात है कि ये कंटिंजेंट